हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेस थ्योरम। तो जिसके बेस पे हम एक्सरसाइज 13.3 कर सकेंगे। लेट अस बिगिन। तो इसको समझेंगे, बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेस थ्योरम क्या होती है, ऑल्दो इसका प्रूफ, इसकी स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसका मीनिंग समझना हमें बहुत जरूरी है कि बेस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसको हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। तो बेस थ्योरम इज अप्लाइड टू फाइंड इनवर्स प्रोबेबिलिटी। तो चलिए पहले मतलब समझते हैं कि इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों मैंने यहां पे बोला। तो नॉर्मली आपने देखा कि हमने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन किए थे, सपोज करो कि आपके पास कोई बैग है और उसमें बॉल्स पड़ी है। मान लो रेड बॉल्स है, मान लो ब्लू बॉल्स है, मान लो ग्रीन बॉल्स है, मान लो कि किसी बैग में ये सिचुएशन मैंने क्रिएट की ताकि मैं बेस थ्योरम तक पहुंच सकूं। तो बच्चों, मान लो किसी बैग में रेड बॉल्स 2 है, ब्लू बॉल्स 3 है, ग्रीन बॉल्स 7 है, कुछ भी मैंने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली। तो हम नॉर्मली अभी तक पढ़ते आए हैं कि एक बैग में आपके पास रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल्स है, ग्रीन बॉल्स है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। तो उसके लिए फॉर्मूला पता ही आपको, फेवरेबल कितने हैं, रेड, रेड फेवरेबल है क्योंकि रेड की प्रोबेबिलिटी कम है। तो उसके नंबर कितने हैं फेवरेबल के, 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल बॉल्स कितनी है, 3 × 5 + 7 = 12। तो ये सिचुएशन पड़ी थी, प्रोबेबिलिटी निकालो ब्लू बॉल की। तो बच्चों, ये ब्लू कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 12। तो बेसिकली बैग आपका सोर्स होता है। सोर्स मतलब जहां से आप किसी भी प्रोडक्ट, ये जो बॉल्स है, बैग आपका क्या है, सोर्स है। जो बॉल्स है इस केस में वो आपके प्रोडक्ट है। आपने नॉर्मली अभी तक प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी सीखी, सोर्स हमें गिवन है कि इस सोर्स में, ये जरिया है ना, इस बैग में से आपने बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब सोर्स कौन है, बैग, और प्रोडक्ट उसके अंदर प्रोडक्ट कौन है, बॉल्स। तो अभी तक ये सिचुएशन पड़ी है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि बैग की प्रोबेबिलिटी निकालो अंडर द गिवन कंडीशन, तो उस तब हम बेस थ्योरम की बात करते हैं। तो नॉर्मली बेस थ्योरम है क्या, पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं और फिर समझते हैं कि इनवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे हेल्प करती है बेस थ्योरम इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने में। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन देखो, स्टेटमेंट, हमारे पास एक से ज्यादा इवेंट्स होते हैं। तो इस पर इवेंट क्या है जो मैंने डिस्कस किया, एक बैग में से बॉल निकालनी, एक बैग में से बॉल निकालनी, ये इवेंट है ना। तो मान लो एक से ज्यादा इवेंट्स है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है एक से ज्यादा बैग्स हो, बैग ए, बैग बी, बैग सी, या इससे भी ज्यादा। मान लो एक से ज्यादा बैग्स हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, ऐसे कितने बैग्स हो सकते हैं। और मान लो E1, E2, E3, सोम, एक से ज्यादा इवेंट्स हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं। मान लो N, एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, 2, 3, 4, 5, जितने मर्जी हो सकते हैं, EN। सपोज करो ये N इवेंट्स हैं, N इवेंट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस एस, हाँ जी, देन ऐसे लिखिए, सैंपल स्पेस एस विच फॉर्म्स अ पार्टीशियन। तो बच्चों, एक नई टर्म हमने यूज की, पार्टीशियन, इसका मीनिंग समझेंगे। तो पहले तो हम स्टेटमेंट निकालेंगे बेस थ्योरम की, स्टेटमेंट क्या है, ये कब अप्लाई होती है। तो मान लो एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, सोर्सेज हैं, जैसे यहां पे हमने एक सोर्स है बैग में से बॉल निकालनी, मान लो एक से ज्यादा सोर्स है, वो आपके इवेंट्स हैं। आपने बैग 1 से भी बॉल निकाल सकते हो, बैग 2 से भी निकाल सकते हो, बैग 3 से भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास सोर्सेज एक से ज्यादा है एंड इवेंट्स है, एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका सैंपल स्पेस की बात करेंगे। विच फॉर्म्स ऑफ पार्टीशन, तो पहले तो बात करते हैं पार्टीशन क्या होता है। तो हमारे पास इवेंट्स हैं E1, E2, E3, जितने भी इवेंट्स हैं,
देयर फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑन एस ऑफ एस इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो हम जानते हैं कोई भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो. फाइव, कोई भी दो इवेंट्स E1, E3, E2, E1, E2, E3, E2, E4, whatever. तो बच्चों कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. तो कोई भी इवेंट्स पार्टीशन कब बनाते हैं, पहली कंडीशन जब वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दूसरी उन इवेंट्स की यूनियन करने पर, सारे इवेंट्स की यूनियन करने पर फिर से सैंपल स्पेस बन जाए. ठीक है बच्चों, तो ये दो कंडीशन सफिशिएंट है समझने के लिए. वैसे थर्ड कंडीशन क्वाइट ऑब्वियस, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो या जीरो से बड़ी, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई आई मतलब E1, E2, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो या जीरो से बड़ी वन या वन से छोटी. तो कोई भी इवेंट्स पार्टीशन तभी कहलाएंगे अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. नंबर वन, कोई भी दो इवेंट्स लो, कोई भी दो, वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. सारे इवेंट्स को यूनियन करके देखो, अगर सैंपल स्पेस बन जाता है, दूसरी कंडीशन, और हर एक इवेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सभी की जीरो और वन के बीच में रहेगी, जीरो और वन भी हो सकती है. फाइन, तो बच्चों क्लियर हो गया सबको? तो ये तो डेफिनेशन है. देखो जी, तो मैं एक एग्जांपल से तुम जाता हूं कि पार्टीशन की एक एग्जांपल लेता हूं. मान लो मेरे पास एक्सपेरिमेंट है कि मैंने एक डाई को रोल किया. अगर डाई को रोल करूंगा तो आउटकम्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सपोज कर लो मैंने पार्टीशन ले लिए, इवेंट्स ले लिए, E1 मान लो 1, 2 ले लिया, E2 माने 3 ले लिया, और E3 मैंने मान लो 4, 5, 6 ले लिया. तो बच्चों 3 इवेंट्स आर देयर. अगर मैं E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करता हूं तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है. अगर E2 और E3 की बात करता हूं, दोनों में कॉमन नहीं है. E1 और E3 की बात करता हूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो ये सभी इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कॉमन नहीं है. अगर मैं इनकी यूनियन की बात करता हूं, जितने भी इवेंट्स हैं सबको कंबाइन करता हूं, कंबाइन मतलब यूनियन, तो एक जगह लिखना 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस बन गया फिर से, और हर एक इवेंट की प्रॉबर्टी 0-1 में लाई कर रही है. तो इसलिए ये इवेंट्स जो है पार्टीशन बना रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. चलो ये इसमें वर्ड यूज हुआ था तो हमने बता दिया. तो चलो बैक टू दी स्टेटमेंट ऑफ बेस प्रो. तो स्टेटमेंट बोलती है कि मान लो एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, मान लो E1, E2, E3, मतलब सोर्सेज जहां से हमें प्रोडक्ट निकालते हैं. ठीक है बच्चों, एंड इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस एस, विच फॉर्म्स ऑफ पार्टीशन, विच फॉर्म्स ऑफ पार्टीशन. तो समझ आ गई कि इन सारे इवेंट्स में कोई दो इवेंट ले लो, कोई भी दो इवेंट्स ले जो, वो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. हर एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है. हर एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए, और सबकी यूनियन सैंपल स्पेस है, और हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0-1 में लाई कर रही है. तो ये पार्टीशन की बात होगी. फिर सपोज कर लो हमें एक गिवन इवेंट है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते थे, तो बेसिकली बेस प्रूफ इज एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ए की निकालो, ऑब्लिक बी, तो हमें बेसिकली ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब गिवन है कि बी अक्कर हो चुका है. यही होता ना मतलब सिर्फ मिली. और अगर बी ओवर ए लिखता हूं तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालो जब गिवन है ए अक्कर हो चुका है. जो ऑब्लिक के नीचे है वो अक्कर हो चुका है, जो ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी. इन द सेम सपोज करो ऐसे ही हमें एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, हमें एक कंडीशन गिवन होगी, लेट ए बी द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन होगी, तो देन हमें किसी एक प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. हमारे पास एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, दे फॉर्म्स अ पार्टीशन, एक इंफॉर्मेशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, एक इवेंट की कंडीशन गिवन है, लेट वो इवेंट का नाम है ए.
लेट ए बी द गिवन कंडीशन, देन हमें इनमें से किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई वन की, ई टू की, ई थ्री की, मान लो ई आई की, आई मतलब ई वन भी हो सकता है, ई टू भी हो सकता है, आई कौन है, वन और एन के बीच में, वन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, तो हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द गिवन कंडीशन। तो वो क्या आती है, उसका फॉर्मूला याद करेंगे, अगर हमें ई टू की निकालनी है अंडर गिवन कंडीशन ए, तो हम यहां पर लिखेंगे ई प्रोबेबिलिटी ई टू, लेकिन मैंने आई लिखा है तो मैं लिखूंगा ई आई, इसको मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ई ओवर ए ओवर ई है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है ई वन ई टू ई थ्री अंडर द गिवन कंडीशन ए, ऐसे लिखते हैं। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ई टू की निकालनी है अंडर गिवन कंडीशन ए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए बाई ई टू। सिंपली हम फॉर्मूला सीखेंगे, याद करेंगे, तो फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा, ई वन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए बाई ई वन, हाँ जी बच्चों, प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू ए बाई ई टू, प्लस कहां तक जाने, जितने इवेंट्स हैं, एन इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स होंगे क्वेश्चन में। तो बच्चों आज हमें लिखना है फॉर्मूला कि याद हो गया, तो हमें ई आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द गिवन कंडीशन ए। तो अगर ई टू है तो ऐसे नीचे क्या आएगा, वन से शुरू हो जाओ तो ये पैटर्न फॉलो कर लीजिए, ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू ए बाई ई टू, सो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, ई एन ए बाई ई एन। अगर हमें ई थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई ई थ्री, याद कर लो, फिर अप्लाई करेंगे, सिंपल लर्न कर लो, ए बाय यहां पे ई थ्री आ जाएगा। तो नीचे सेम रहेगा, वन से शुरू हो जाओ, सेम पैटर्न, ए बाय ई वन प्लस लिखो ई टू प्रोबेबिलिटी ए बाय ई टू प्लस सोन सोन सोन। तो चलो ये तो लिखना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वर्स प्रोबेबिलिटी क्या है और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किए। तो चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी एक्सरसाइज का ही सम करवा लेते हैं, 13.3 का आई थिंक आपका ये बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं, बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला और इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी समझ आएगा इससे क्यों बोलते हैं। तो क्वेश्चन टू शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक बैग है, द बैग कंटेन्स फोर रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स। हमारे पास एक बैग है जिसमें रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स गिवन है, तो कितनी रेड बॉल्स हैं, फोर रेड बॉल्स हैं और फोर ब्लैक बॉल्स हैं। एंड अनदर बैग, तो दो बैग है, एक बैग वन है एक बैग टू है, अनदर बैग इट कंटेन्स टू रेड बॉल्स एंड सिक्स ब्लैक बॉल्स, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है ए बैग में, बैग वन में रेड बॉल्स फोर है ब्लैक बॉल्स फोर है, बैग टू में रेड टू बॉल्स है ब्लैक सिक्स बॉल्स है। तो क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं क्वेश्चन को, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फ्रॉम द बैग एंड विच इज फाउंड टू बी, ये बच्चों क्वेश्चन बेस्ड में देखिए ये वर्ड बड़ा कॉमनली नजर आएगा क्वेश्चन में, विच इज फाउंड टू बी, विच इज फाउंड टू बी काफी नजर आता है क्वेश्चन बेस्ड में, फाउंड टू बी रेड एक तरह से हिंट है। तो क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट, सेकंड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, चलो दोनों की निकालते हैं। तो बच्चों एक बैग वन है एक बैग टू है, टू बैग्स है, मैंने फर्स्ट बैग को बी बैग वन बोल दिया, अनदर बैग जो बोला है वो सेकंड बैग बैग टू है। तो उनकी इंफॉर्मेशन है, बैग वन में रेड बॉल्स फोर ब्लैक बॉल्स फोर, बैग टू में रेड टू बॉल्स है और ब्लैक सिक्स बॉल्स है।
तो वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, हमें कोई एक बैग सिलेक्ट करना है, चूज करना है, कोई एक बैग सिलेक्ट करना है, हाँ जी, और उसमें से एक बॉल निकालनी है, हमें कोई एक बैग चूज करके उसमें से एक बॉल निकालनी है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और बता दिया विच इज फाउंड टू बी रेड, और बता दिया कि जो बॉल आपने निकाली है वो रेड है, तो जो चीज गिवन है वो हम उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, तो कैपिटल ए इज द लेट ए बी द इवेंट, जो गिवन इंफॉर्मेशन है बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कैपिटल ए से कैपिटल ई से किसी से भी डिनोट कर सकते हो, तो इसमें एक कंडीशन हमेशा गिवन होती है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन उसमें एक इवेंट था, इसमें एक से ज्यादा इवेंट्स है, तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी किसी ए की निकालनी थी अंडर द बी, तो अब हमें इवेंट्स एक से ज्यादा है, इवेंट मतलब सोर्स, तो नॉर्मली हम प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अब हमने सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो हमें एक बैग चूज किया, उसमें से बॉल निकाली, उसका कलर बता दिया रेड है, वो गिवन इंफॉर्मेशन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बॉल जो है फर्स्ट बैग में से निकली, तो हमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अगर हमें सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो पेज तरफ रिवर्स हो गया, नॉर्मली हम बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, इस बार हम बैग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आई होप क्लियर, एक से ज्यादा इवेंट, एक से ज्यादा इवेंट है, ठीक है बच्चों, और अंडर गिवन कंडीशन जो भी दी होगी उसको ए मान लो, है ना, ए भी इवेंट बॉल ड्रॉन इज एंटर कर, तो हमें सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सोर्स कौन है, एक बैग वन सोर्स है, एक बैग टू सोर्स है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपने रेड बॉल निकाली विच इज फाउंड टू बी, ये वर्ड बेस थ्योरम को ज्यादातर ठीक है इंडिकेट करता है, विच इज फाउंड टू बी रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो रेड बॉल है फर्स्ट बैग में से निकाली है, तो सोर्स कितने हैं दो, तो जितने सोर्स उतने इवेंट्स, लेट ई वन बी द इवेंट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, ई टू बी द इवेंट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, और कैपिटल ए ये लिखो इट इज अ इवेंट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दी बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, तो हमें क्या निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दी फर्स्ट बैग, यही फॉर्मूला अभी बताया मैंने ई आई ओवर ए, तो क्या फॉर्मूला था ई आई इंटू ए बाई ई आई, ऐसे भी लगा, तो यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आपने निकाली है फर्स्ट बैग में से, तो प्रोबेबिलिटी हमने ई वन की निकालनी है ओब्लीक ए, तो क्या फॉर्मूला है ई वन ए बाई ई वन, तो नीचे क्या आएगा डिवाइड बाय वन से शुरू हो जाएंगे, ऐसे क्या है ना वन से शुरू होकर कहां तक जाना है जितने इवेंट्स हैं, तो दो ही इवेंट्स हैं हमारे पास, नीचे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई वन इंटू ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू ए बाई ई टू, बस दो ही इवेंट्स हैं, इसको स्टोर करेंगे फॉर्मूले को, पहले सभी की वैल्यूज निकालेंगे फिर पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, आपके पास दो बैग्स हैं, आपके पास बैग वन है और बैग टू है, क्या प्रोबेबिलिटी है आप बैग वन को चूज करो, क्या प्रोबेबिलिटी आप बैग टू को चूज करो, अरे दोनों के चांसेस सेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इज सिलेक्टिंग बैग वन, तो दो बैग्स हैं दोनों की इक्वल चांस है, बैग वन भी चूज कर सकते हैं बैग टू भी, तो वन बाय टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग इज सिलेक्टिंग वन बाय टू, अगर तीन बैग्स होते तो सबके सेम वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री, आई होप क्लियर हो गया सबको, इनकी प्रोबेबिलिटी की यूनियन वन आ रही है, सबको प्लस करो वन आ रहा है, इन दोनों को प्लस करो वन आ रहा है, फाइन, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग वन बाय टू, 50% दो बैग है कौन सा चूज करें, 50% चांसेस के हम कोई भी सेक्ट कर सकते हैं, सेम चांस 50% मतलब वन बाय टू वन बाय टू, तीन होते तो वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री, तो बच्चों हमें ए बाय ई वन निकालना है, तो ये सिंबल का मतलब है कि ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालो, नीचे वाला गिवन है, तो नीचे वाला क्या है ई वन, गिवन है कि फर्स्ट बैग आपको दे दिया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि कैपिटल ए क्या है कैपिटल ए रेड बॉल इज फॉर्म,
बच्चों रेड बॉल इज ड्रॉन, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन है कि फर्स्ट बैग में से जो ओब्लिक के नीचे होता है वो गिवन होता है, फर्स्ट बैग में से रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल्स कितनी है, फर्स्ट बैग में रेड बॉल 4 है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल 4, और फर्स्ट बैग में टोटल कितनी है, बैग 1 में 4+4 8, तो ये आ गए बच्चों ए बाई ई2 का मतलब क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन है ई2, ई2 मतलब सेकंड बैग, तो सेकंड बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, सेकंड बैग में रेड 2 है, टोटल कितनी है 8, तो 2/8 बस, तो बस खत्म, आंसर आ गया। फर्स्ट इक्वेशन पे वापस जाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा वेरी इजी। तो देखिए लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 e1 by a, तो प्रोबेबिलिटी e1 1 by a by e1 वो निकाली हुई है 4/8, कटिंग कर सकते हो 1/2 4/8 प्लस e2 1/2 इंटू 2/8, कैलकुलेशन चेक करना बच्चों 4/16 प्लस 2/16 6/16 कर दिया 4 plus 2 6, तो 60 कर दिया 4/6, 2/3 इज द आंसर। आई होप क्लियर है सबको, अगर सेकंड बैग बोलते तो फॉर्मूला बनना था e2, अगर वो सेकंड बैग पूछते तो फॉर्मूला क्या बनना, प्रोबेबिलिटी e2 ओवर a, क्या लिख रहा ऊपर e2 a by e2 अगर पूछा जाता तो नीचे तो सेम ही रहता ना e1, तो आज इसको समझेंगे आप लोग, अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें से नॉर्मली लेंथी क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में एक सम आता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।